आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कक्षा दसवीं विषय हिंदी पाठ दो लक्ष्मण परशुराम संवाद का वीडियो भाग तीन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले ध्यान योग स्थिति करके हम स्मरण करेंगे। वीडियो भाग दो में हमने जो बातें पढ़ी थी उनका पुनः स्मरण करेंगे और पुनः स्मरण में अंत में हम जो बात आई थी उसको जोड़ते हुए और आगे भाग तीन का अध्ययन करेंगे। तो भाग दो में हमने जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो व्यंग्यात्मक बातें चली थी और लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी जिस प्रकार क्रोधित हुए थे और लक्ष्मण जी को परशुराम की बातें वो आत्मबोध अर्थात स्वयं की प्रशंसा खुद करने जैसी बातें कुछ हमारे ध्यान में आई थी। उसके बाद में लक्ष्मण जी ने अंत में कहा था कि अपनी प्रशंसा स्वयं करने से कुछ नहीं होता है, सूर समर करनी कर ही अर्थात योद्धा तो वो होता है जो युद्ध भूमि में अपना प्रदर्शन करता है, अपना शौर्य दिखाता है, केवल अपनी बातों से काम नहीं चलाते हैं और जो कायर लोग होते हैं वो ही बातें ज्यादा करते हैं और शौर्य कम दिखाते हैं। इस प्रकार की बात लक्ष्मण जी ने जब परशुराम जी को कही तो वो बहुत क्रोधित हुए और वो क्या कहते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं इस तीसरे पद में। तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ पर घोरा, अब जनि देव दोषी मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब यह मरनी हर भा सांचा, पोषिका छमी अपराधु, बाल दोष गुण नहीं न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे, नते ही काटे कुठार कठोरे, गुरहु ऋण होते ही श्रम थोरे, गादी सुनि का हृदय हंसी मुनि हरिय, सूझ अयमय खांड न उखमय, अजौ न बूझ अबूझ। इस प्रकार जब लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि योद्धा तो वो होता है जो युद्ध भूमि में अपना शौर्य दिखाता है, केवल अपने प्रशंसा भरी बातें करके और ऐसा प्रदर्शन करते हैं वो तो केवल कायर ही करते हैं, जब ये बात परशुराम ने सुनी तो बहुत क्रोधित होकर कहते हैं तुम्हें तो काल हांकू जनु लावा, बार बार मोई लोगी लागी बोलावा, कि अब तो तुम्हें ये जो काल है और ये जो अंतिम समय के लिए बुला रहा है और इसलिए तुम बार बार मुझे गुस्सा दिला रहे हो, बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरियो कर घोरा, परशुराम जी ने घोर गर्जना करते हुए तेज गर्जना करते हुए अपने परसे को हाथ में लिया। अब जनी देवी दोषी मोहला, अब यदि कोई मुझे दोष दोगे, कटुबाती बालक बदोगे, ये कठोर वचन बोलने वाला ये बालक है, ये तो वध योग्य है, यदि आप मुझे अब दोष दोगे तो इसे मेरा कोई दोष नहीं होगा, बाल बिलो की बहुत में बांचा, इसको मैं छोटा बच्चा समझकर बहुत बार इसका सुना, अब यह मरनी हार भा सांचा, लेकिन ये तो वास्तव में मारने के योग्य ही है, कोशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही साधु, हे विश्वामित्र कि अब इसका जो अपराध है समायोग्य नहीं है, ये बालक है ये जो समायोग्य नहीं है, ये तो साधुओं का भी जो व्यवहार है, साधुओं से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये भी इसको पता नहीं है, खर कुठार में अकुर्ण को ही, आगे अपराधी गुरुदोई, अब मैं अपने इस कुल्हाड़े से जो इसका यदि वध भी करता हूँ तो मेरे को इसका कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो गुरुद्रोही है, ये गुरु की आज्ञा का भी पालन
नहीं करता है, उत्तर दे तो छोड़ियो बिन मारे। अभी तक तो मैं केवल इसको उत्तर देकर और बिना मारे छोड़ रहा था, केवल कौशिकशील तुम्हारे हे विश्वामित्र आपके आचरण के कारण ही मैं इसको अभी बिना मारे छोड़ रहा था। न ते ही काय कुठार कठोर, नहीं तो ये कब का मेरे इस कठोर कुल्हाड़े का शिकार हो गया होता। गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े, और मैं अपने थोड़े ही परिश्रम से इसको मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादी सुनी का हृदय ऐसी मुनि हरी है हरी अरई सूझ, अरे मैं खांड न उख मैं जो न बूझ अबूझ। जब परशुराम जी किस प्रकार की बात सुनी तो गादी सुनी का हृदय ऐसी, और ये बात जब विश्वामित्र ने सुनी तो मन ही मन हंसने लगे मुस्कुराने लगे और मन में ही कहने लगे कि हे परशुराम आप नहीं जानते हो कि आपका पाला किससे पड़ा है, ये बालक कोई इस प्रकार का नहीं है। आये मैं खान न ऊख मैं अजो न बूझ अबूझ, कि ये इस प्रकार का कोई गन्ना नहीं है जिससे कि खांड बन जाए, बल्कि ये कोई सामान्य क्षत्रिय बालक नहीं है, ये अभी आपको इसकी जानकारी नहीं हुई है। ऐसी बात विश्वामित्र अपने मन में सोचते हैं। ये इस पद का अर्थ है, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और समझ लेंगे। इस प्रकार की बात जब उनके मन में आती है और वो सोचते हैं, और जब विश्वामित्र को परशुराम इस प्रकार की बात कहते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानत बिथे संसारा, मात पिता उरिन भाई नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमारे माथे ही काटा देने चली गई ब्याज बड़ बाटा। अब आने ये व्यवहारिया बोली तुरंत देहू में थैली खोली, सुनी कटन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा भी मोही, विप्र विचारु वचन नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभद्रन गाटे दुज देवता घर ही के बाटे, अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुवती सैन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर को पुकृसानु, बढ़ती देखी जल समवचन बोले भृगुकुल भानु। इस प्रकार की परशुराम जी की बातें सुनकर और लक्ष्मण जी कहते कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, और लक्ष्मण जी कहते हे मुनि आपका तो आचरण को नहीं जान विधि संसार की, कौन नहीं जानता है, पूरा संसार ही आपके आचरण को जानता है कि आप किस प्रकार के योद्धा है। मात पिता उरिन भय नीके, आपने तो माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए उऋण हो गए है, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, लेकिन आप अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए अर्थात मुक्त नहीं हुए। सोजनु हमरे माथे काटा, और वो ऋण उतारने के लिए आप हमको ही आपने चुना है। चली दिन चली गई ब्याज बड़ बाटा, अब वो ऋण से उऋण नहीं हुए हो तो अब वो दिन तो चले गए उऋण होने के, लेकिन अब जो ब्याज चढ़ गया है उसको चुकाने की आप तैयारी कर रहे। अब आने ये व्यवहारिया बोले, अब आप अपने किसी व्यवहारकर्ता को बुला दीजिए और तुरंत थैली खेल कर और हिसाब किताब कर दीजिए, अर्थात अपने गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए आप मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं, और गुरु ऋण से मुक्त हो रहे इसलिए आप अभी तक इस ऋण से मुक्त नहीं हुए थे, अब किसी व्यवहार करने वाले को बुलाइए और तुरंत हिसाब किताब कर दीजिए। इस प्रकार के वचन लक्ष्मण जी कहते हैं सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब स्वभाव। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर और परशुराम जी अपना जो कुल्हाड़ा है वो लेते और उसी समय हाय हाय सब सभा पुकारे, जो सभा में उपस्थित राजा है वो भी हाय हाय पुकारते कि इस प्रकार के वचन है लक्ष्मण को नहीं बोलने चाहिए। भृगुवर परसु देखा भी मोही, और ये भृगुवंश के जो परशुराम जी है ये बार बार फरसा दिखा रहे, विप्र विचारी बचाओ नृप दोई। तब लक्ष्मण जी कहते मैं तो ये बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं तो ब्राह्मण जानकर इनको नहीं मार रहा हूं, बाकी तो ये नृपद्रोही राजाओं के दुश्मन हैं। इस प्रकार के वचन जब वो कहते मिले न कबहु सुभद्रन गाटे, कि आपको तो इस प्रकार के योद्धा वीर योद्धा भी आपको युद्ध भूमि में मिले ही नहीं है। दुज देवता घर ही के बाटे, कि आपने तो ब्राह्मण और देवता जो उनको ही ऐसे ही मारा है, लेकिन सुभट योद्धा अर्थात बहुत ही जो वीर योद्धा शौर्य के स्वामी ऐसे आपको अभी तक मिले ही नहीं है। ऐसी बात जब
लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं, अनुचित कही सब लोग पुकारे, तो वह सभा में उपस्थित सभी लोग राजा महाराजा और इस प्रकार की लक्ष्मण जी की बातों को अनुचित बताते हैं और कहते हैं अनुचित अनुचित इस प्रकार की बात लक्ष्मण को करना शोभा नहीं देती है। रघुपति सहनी लखनऊ निवारे। और तब प्रभु श्री राम इस स्थिति को देखते हैं और अपनी आंखों से ही लक्ष्मण को संकेत करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरेश और लक्ष्मण के उत्तर को पर आहुति समान भृगु कोपु कृषान और जो परशुराम जी के क्रोध को आहुति के समान और बढ़ाने का काम करते हैं। और जब परशुराम जी का ये क्रोध बढ़ते देखकर और प्रभु श्री राम है बढ़त देखी जल सम वचन बोले कुल भानु और उनका इस गुस्से को और क्रोध को देखकर और उपस्थित सभा की स्थिति को देखकर और श्री राम जी वो मीठे वचनों से और बोलकर उस बात को संभालने का प्रयास करते हैं और उनको संभालते हैं और इस प्रकार अपने मीठे वचनों से वो परशुराम जी का क्रोध है वो शांत करने में सफल हो जाते हैं। ये इस पद की जो व्याख्या है इसको आप पढ़कर और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से पूरा पाठ है समझ में आएगा। ये इस पाठ के अभ्यासार्थ प्रश्न हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके उत्तर आप स्वयं करने में असमर्थ होंगे और इस प्रश्न को आप पढ़कर और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ये गृह कार्य प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार परशुराम किसके ऋण से उऋण हो गए थे और उन पर अभी किन का ऋण चुकाना बाकी था। पाठ के आधार पर राम लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता लिखिए कि राम का स्वभाव किस प्रकार का था, लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव किस प्रकार के थे। तो ऐसी विशेषता एक एक कर आप लिखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तीन भाग में पाठ है और तीनों ही YouTube पर उपलब्ध है। जो समझ में नहीं आए तो एक बार पुनः उस लिंक को खोलकर आप देखेंगे और उसको वापिस समझने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे तो पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जय हिंद।